एवरीवन कुक फास्ट एंड स्लो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक हेल्थी सा ब्रेकफास्ट, हरा भरा पोहा, जो खाने में भी बहुत टेस्टी और बड़ी ही आसान तरीकों से बनता है। आइए देखते हैं इसको हम किस तरह से बनाते हैं। दिए गैस पे कढ़ाई, इसमें डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसमें डालूंगी 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच राई और इसमें डालेंगे 10 से 12 करी लीव्स। लाल हो चुका है, अब इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ प्याज और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भूनना है, पोहा में प्याज ज्यादा नहीं भूना जाता है। पहले भी मैंने मुंबई के कांदा पोहे की रेसिपी मेरे चैनल पे शेयर की हुई है, अगर आप पोहे के शौकीन हो तो जरूर जाके देखें उस पर। ये देखिए लगातार हम पोहे को चलाएंगे, हेल्थी सा ब्रेकफास्ट है। सर्दियां हैं, धनिया मार्केट में बहुत आ रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ धनिया की चटनी के साथ आज हरे पोहा की रेसिपी शेयर करती हूँ, जो खाने में बहुत ही हेल्थी और बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये देखिए हमारे प्याज भून चुके हैं, बस इतना ही भूनना होता है, ज़्यादा नहीं पोहे में भूनते प्याज को। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक आपके स्वाद के अनुसार, और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हल्दी का अच्छा सा कलर आ जाता है इसमें डाल के बनाएंगे तो पोहे का। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी पोहा, जो मैंने 1 कटोरी को पहले से भिगो के रखा था, जिससे हमारे पोहे सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पोहा को और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डाल दूंगी 1 कटी हुई हरी मिर्च, सभी चीज को लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से सब कुछ मिक्स हो चुका है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं हरे धनिए की चटनी, जो मैंने बना के रखी हुई है 1 चम्मच। इससे इसका पोहे का टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा और कुछ डिफरेंट है। अपने वेजिटेबल पोहा वगैरह तो खाया होगा, कांदा पोहा, ये हरा भरा पोहा बना के देखिए बहुत ही टेस्टी लगता है। इसी तरह से मैं धनिए की चटनी को पूरे पोहे में अच्छे से मिक्स कर दूंगी लगातार चलाते हुए। ये देखिए हमारी धनिए की चटनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें ऐड करूंगी मैं ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफली, क्योंकि मूंगफली के बिना पोहे का स्वाद अधूरा रहता है। इसमें डाल देंगे मूंगफली, अगर आप मूंगफली पसंद नहीं करते तो बिना मूंगफली के भी बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का रस और इसमें डालूंगी थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल थोड़ी सी, 1/4 चम्मच के बराबर, और इनको सभी को मिक्स करके हम 2 मिनट ढक देंगे। ढकने से इसका पोहे में जो नमक और नींबू और चीनी डाला है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा से इसके अंदर बैठ जाता है। तो इसको मैं 2 मिनट के लिए ही बस ढक के कुक करूंगी। देखते हैं पोहे को, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है इस तरह से बनाने से। अब इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कटा हुआ धनिया, गैस की फ्लेम कर दूंगी मैं बंद, इसको सर्व करेंगे। तब आप इसके ऊपर ना बारीक वाली भुजिया वगैरह भी डाल सकते हैं, जिससे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए इस तरह से मैं पोहे सर्व कर रही हूँ। अगर आपको मेरे बनाए हुए हरे भरे पोहे पसंद आए हों तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।